आज के एजेंडा में सबसे पहली खबर शामिल करेंगे हिमाचल प्रदेश से। जी हां, शिमला नगर निगम चुनाव की गर्मी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होने वाला है। आज चुनाव को लेकर कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी और चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक भी हुई है। इस हवाले से बैठक में कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता से इस बैठक को चलाया गया, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस हिमाचल में चुनावी जीत का हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने लोकसभा का उपचुनाव जीता, फिर विधानसभा चुनाव जीता और अब शिमला नगर निगम चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी में भारी गुटबाजी है, चुनाव के समय पार्टी नेतृत्व में बदलाव के दौर से गुजर रही है बीजेपी। साथ ही रोहित ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की हार तय है। तो बीजेपी ने आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और आज दिन है कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने का। अब देखना ही होगा कि घोषणा पत्र में क्या कुछ वादे शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस करती है। ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूं जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराएगा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जैसा भी बताया गया, इसमें अभी परिवर्तन की दशा में चला हुआ है। कौन आज वर्तमान में प्रधान है कल को नहीं रहता है, मात्र 4-5 दिन के आसपास का समय है और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूं उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। कानून के हिसाब से कार्य होगा, जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूं सारी बातें सामने आएगी। लेकिन वर्तमान में हम अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, जो मैं समझता हूं आने वाले कल आप जनता जनार्दन के समक्ष होगा और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष इसका प्रारूप जनता जनार्दन के सामने लाएंगे एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ। जैसे हम विधानसभा के इलेक्शन के दौरान भी गए थे, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम तो 20 साल, 25 साल, कभी 50 साल जोश में क्या देते कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आगे, वहां पर भी अच्छे बहुमत के साथ, हालांकि पूरे केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र यहां पर लगा था, उसके बावजूद भी अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। और अब भी मैं समझता हूं इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अच्छी सीटों के साथ, जो मैं समझता हूं 5 वर्ष से जो हमारा विकास विशेषकर शिमला का रुका पड़ा था कॉरपोरेशन का, वो आगे बढ़ेगा। तो 5 वर्षों से जो विकास रुका पड़ा था, रोहित ठाकुर का ये कहना है कि वो आगे बढ़ेगा। वो इसलिए आगे बढ़ेगा क्योंकि शिमला नगर निगम चुनाव का उन्होंने कहा कि जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस की ही जीत होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर हो चुका है और आज का दिन जो है काफी अहम है क्योंकि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, इलेक्शन मैनिफेस्टो। देखना ही होगा कि इस समय क्या कुछ वादे कांग्रेस करती है। लेकिन कितने बजे का समय निर्धारित किया गया राजेंद्र, बताइएगा कितने बजे तक कांग्रेस का घोषणा पत्र आ सकता है? अब आज करीब 3 बजे के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आ सकता है और इसके लिए कमेटी की बैठकें पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के साथ भी बैठक पूरी हो चुकी है और सभी जो कांग्रेस की तरफ से गारंटियां देने की बात कही जा रही है उनके ऊपर पूरी चर्चा हो चुकी है। और पिछले कल ही रोहित ठाकुर ने ये कहा है, कैबिनेट मंत्री ने, कि आज 3 बजे के बाद कभी भी कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर सकती है। और इसके साथ ही अब भाजपा का जो घोषणा पत्र है, दृष्टि पत्र जिसको भाजपा ने नाम दिया है, उसका काउंटर अब कांग्रेस की तरफ से आएगा। भाजपा ने बड़े वायदे अपने दृष्टि पत्र में किए हैं, चाहे 40,000 लीटर पानी देने की बात हो या फिर कूड़े के बिल 50% करने की बात हो, CCTV कैमरा हर वार्ड में लगाने की बात कही है, इसके अलावा ओपन एयर जिम के ऊपर फोकस किया है। तमाम 21 पॉइंट भाजपा की तरफ से अपने दृष्टि पत्र में डाले गए हैं। तो अब आज देखना होगा कि कांग्रेस क्या विधानसभा चुनावों के तर्ज पर ही अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र
आज जारी करती है या फिर इसमें कुछ बदलाव होता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के समय 10 गारंटियां कांग्रेस ने दी थी और उन्हीं गारंटियों को माना जा रहा है भाजपा की तरफ से कि इन गारंटियों का चुनाव प्रचार कांग्रेस के नेताओं ने किया, जिसके कारण लोकलुभावन वायदे जनता से किए गए और यही परिणाम हुआ कि भाजपा को विधानसभा चुनावों में हार झेलनी पड़ी। जी, एक खास बात ये भी है राजेंद्र कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 21 वादे किए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर है। पहले घोषणा पत्र जारी होने के बाद कटाक्ष का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, कई मंत्रियों ने घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ऐसा कैसा घोषणा पत्र लाएगी जिसमें 5 वर्षों से उन्होंने कहा है कि चुनाव शिमला नगर निगम का विकास जो था वो रुका पड़ा था, हम ऐसा, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा वो घोषणा पत्र में लाने वाले हैं जिसका जिक्र वो अभी नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि घोषणा पत्र में कुछ खास वादे की बात कांग्रेस करेगी जो भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों से वो तुलना कर रहे हैं? शिमला शहर में सबसे बड़ी दिक्कतें ट्रैफिक जाम की है, पानी की है, साफ सफाई व्यवस्था की है, पार्क की है, प्लेग्राउंड्स की है। जो पॉलिटिकल पार्टी इन दिक्कतों को एड्रेस करेंगी वो ये लगता है कि सीधे जनता तक पहुंचेगी, क्योंकि बाकी एजेंडे पॉलिटिकल पार्टी के अपने हो सकते हैं, बाकी वायदे पॉलिटिकल पार्टी की अपनी तरफ से हो सकते हैं, लेकिन शहर की जनता की लगभग हर वार्ड में जो दिक्कत है वो लगभग सामान्य है। ट्रैफिक जाम की समस्या पूरे शहर में है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी है और नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में वायदे किए जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा पानी की दिक्कत हमेशा गर्मियों में सामने आ जाती है, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिमला है, तो ऐसे में अब लगातार पर्यटकों को लेकर दिक्कतें आती हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तो ऐसे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इन सेक्टर से, इन क्षेत्रों से संबंधित हो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग शिमला में बहुत हैं, होटलियर्स हैं, चाहे दूसरे व्यापारी हैं, तो उनको लेकर भी वायदे हम कांग्रेस के घोषणा पत्र में देख सकते हैं। जैसे भाजपा ने तो ये बात मुद्दे हो गए कि शिमला की मुद्दे क्या कुछ हैं, क्या कुछ मसाइल हैं लोगों के और जिनका अक्स कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में नजर आने वाला है कांग्रेस का, आज अगर देखेंगे 3 बजे के बाद जब घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके अलावा पूरा शिमला इस वक्त हीटअप हो रहा होगा क्योंकि चुनावी प्रचार चल रहा है, कैसे किस तरह से ये चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कैसे जनता से ये वादे करते हुए सड़क मार्ग के जरिए जा रहे हैं और कैसे लोक लुभावन चीजें नेताओं की तरफ से की जा रही है, इस हवाले से कुछ जानकारी दे पाए? ने अपना चुनाव इलेक्शन कैंपेन अपने पूरे टॉप पे ले आए हैं, पिछले कल 34 वार्डों में भाजपा के बड़े नेता सभी वार्डों में गए और वहां पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं संबोधित की और भाजपा ने कोशिश की जो घोषणा पत्र दृष्टि पत्र भाजपा ने जारी किया था उसको जनता तक पहुंचाने की इन नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से। पिछले कल देर शाम को 5 बजे के करीब लगभग ये पूरे शहर में नुक्कड़ सभाएं एक साथ आयोजित की गई, 4 बजे से लेकर 6 बजे के अंतराल के मध्य अधिकांश नुक्कड़ सभाएं हुई, चाहे फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हो या फिर नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हो, पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप हो, तमाम नेता नुक्कड़ सभाओं में पहुंचे, छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित किया और अपने दृष्टि पत्र को जनता तक पहुंचाया। ठीक है, ये तो अब जो नेता हैं वो पीपल टू पीपल कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर घोषणा पत्र में कांग्रेस क्या कुछ वादे करने वाली है जो कि 3 बजे के बाद, जैसा कि राजेंद्र ने बताया, बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, 3 बजे के बाद कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ आज के एजेंडा में, जो कि लद्दाख से है। लद्दाख G20 इंडिया समिट के तत्वावधान में 26 से 28 अप्रैल तक Y20 प्री समिट की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। G20 के नोडल अधिकारी सुगत बिस्वास ने News18 से बातचीत करते हुए कहा कि सभी प्रतिनिधियों का हवाई अड्डे और होटलों से पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। शाम के दौरान प्रतिनिधियों के लिए स्थानीय पारंपरिक संस्कृति का भी प्रदर्शन किया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा Y20 शिखर सम्मेलन की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग G20 के रिलेटेड इवेंट्स कर रहे हैं, तो साथ ही में लेह में भी प्री Y20 प्री सबमिट होने जा रहे हैं अप्रैल 26 से लेकर अप्रैल 28 तक। तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं नोडल ऑफिसर G20 स्वागत बिस्वास सर। तो सर जो यहाँ पर जो Y20 का प्री सबमिट होने जा रहे हैं तो उसके बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा बताएंगे सर।
यहाँ पर ये जो G20 समिट हो रहा है पूरे इंडिया में प्रेसिडेंसी, उसके अंदर तीन तरह के मीटिंग्स हो रहे हैं। उसमें एक एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग होता है, वो एंगेजमेंट ग्रुप जो यूथ वाला है वो यहाँ पर ले में होने वाला है, जैसा आपने सही बताया 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का। तो उसके अंदर तमाम देशों से जो Y20 डेलीगेट्स हैं वो आएंगे, और जो इंडियन Y20 डेलीगेट्स हैं वो आएंगे, और वहाँ पर तमाम टेक्निकल सेशंस होंगे अलग अलग मुद्दे पे, वहाँ पर डिस्कशंस होंगे और एजेंडा सेटिंग होगी। तो 26 से 28 अप्रैल तक Y20 प्री समिट की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और उपराज्यपाल लद्दाख के वो खुद समीक्षा कर रहे हैं तैयारियों का। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोरूप स्टैंजिन जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले मोरूप ये बताइएगा कि Y20 प्री को लेकर किस तरह की तैयारियां लेह में की गई हैं, और इसके अलावा Y20 प्री समिट की क्या कुछ अहमियत है, खासियत है, बताइएगा। जी सना, जैसे आज से जो Y20 का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, तो आज लगभग 9:30 से जो डेलीगेट आना शुरू हो जाएंगे। तो जो लद्दाख के KBR एयरपोर्ट पे पारंपरिक तरीके से स्वागत होगा उनके, उसके बाद उनको होटल में ले जाएगा। तो इसी दिन का लद्दाखी लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी दिनों से तैयारी भी चल रहे थे, तो तैयारी पूरी हो चुकी है, आज से वो डेलीगेट्स आ रहा है। तो इसमें लद्दाख के LG BD मिश्रा सर खुद मॉनिटर कर रहा है किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है। तो आज जो डेलीगेशन आज शुरू हो रहा है, तो आज दिन में रेस किया जाएगा और शाम को एक कर्टन रेजर प्रोग्राम होगा। जी सना, तो आज कौन कौन से मेहमानों के आने का अनुमान जताया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इस Y20 प्री समिट में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं, और अगर बात करें उनके आगमन की, तो इसको लेकर आपने कहा कि सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, उसके बाद उन्हें होटल में ले जाया जाएगा। ये कितने बजे से ये सिलसिला शुरू होने वाला है मोरू? जी सर, सना जैसे कि मैंने बताया कि 9 बजे से जो डेलीगेट आना शुरू हो जाएंगे, तो लगभग जो 10:30 बजे तक जो सबका अरेवल का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जाके होटल में रेस्ट किया जाएगा। और जहाँ तक कौन कौन से डेलीगेट्स आने की बात है, ये जो कुछ सिक्योरिटी की इशू लिहाज से भी डिटेल जानकारी नहीं मिल पा रहा है, तो आप जब 4 बजे हम जब उनकी जो 4:30 बजे जो होटल ग्रैंड ड्रैगन में कर्टन राइजर एक प्रोग्राम होगा, तो उससे वहाँ जाके तो पता चल पाएगा कि कितने डेलीगेट्स और कौन कौन से कंट्री से आए। जी सना जी, इसके अलावा अगर तैयारियों की बात करें, क्योंकि कई कार्यक्रम भी होने वाले हैं, और इसके अलावा रहने सहने की जो सुविधा है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से ही तैयारियों का जायज़ा और करीब से वो नज़र रखे हुए हैं, इस हवाले से जानकारी स्टैंजिन मोरूप स्टैंजिन। जी सना, तो ये तैयारी है 2-3 महीने से चल रहा था, मैं जैसे कि हमने पहले बताया कि लद्दाख के उपराज्यपाल खुद जो तैयारियों को जायजा ले रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, खासकर अरेवल को लेके, जो अरेवल की जगह जो एयरपोर्ट होगा KBR एयरपोर्ट, वहाँ पर जाके उन्होंने जायजा लिया। तो उसके बाद जो 3 होटलिंग में रखा जाएगा, जो ले में प्रोमिनेंट होटल है वहाँ पर रखा जाएगा, उनका भी वहाँ दौरा किया। तो किन किन से मिलाएंगे, जैसे यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर है उनसे, उनके साथ भी प्रोग्राम है, साथ ही साथ जो हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट्स है या मोनेस्ट्रीज है वहाँ पर उनका कल के दिन एक्सकर्शन होगा, और जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है संगम है या पत्थर गुरुद्वारा पत्थर साहब है या हॉल ऑफ फेम आर्मी का जो हॉल ऑफ फेम है वहाँ सब कल के दिन ये सब प्रोग्राम होगा। जी सना जी, तो एक खास प्रोग्राम है जो मेहमानों के लिए पहले से ही आयोजित करने के हवाले से लिस्ट में शामिल है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो समिट है इसको लेकर लद्दाख के लोगों की तरफ से काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, जैसे कि मोरूप स्टैंजिन ने बताया, और अब आज वो दिन आ चुका है कि अब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे 9 बजे के बाद, जैसे कि मोरूप स्टैंजिन ने कहा।
और वहां से उन्हें पारंपरिक लद्दाखी वेशभूषा में उन तमाम का स्वागत किया जाएगा। हालांकि कौन कौन से मेहमान और डेलीगेट्स इस समिट में शिरकत कर रहे हैं इसकी डिटेल अभी नहीं मिल पाई, क्योंकि सिक्योरिटी और सुरक्षा के हवाले से बताया जा रहा है कि मोरूप ने इसकी जानकारी नहीं दी है। बहुत शुक्रिया मोरूप, आगे भी जुड़ेंगे और आपसे इस हवाले से तफसील लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ आज के एजेंडा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया, पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को, पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल, 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शहदा को आखिरी अलविदा, पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में। शिक्षा की गुणवत्ता पर श्रीनगर में शिक्षा अधिकारी खास ध्यान दे रहे हैं, खासकर मैथ्स में बच्चों की रुचि पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही छात्रों के बीच सीखने में रुचि, समान रुचि पैदा करने के लिए क्लास टेंथ तक के छात्रों को बोर्ड मार्क्स के साथ गणित के 4 बेसिक्स सिखाने का फैसला किया गया है। तो इसकी शुरुआत कैसे हो रही है, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये बेसिक का बोर्ड मार्क्स के नियम है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों को खास शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है और समान रुचि पैदा करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रईस, क्या है ये कोशिश और इस कदम से किस तरह से बच्चों को फायदा मिलेगा, और विभाग की तरफ से आखिर ये ऐसा क्यों सोचा गया कि जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको इस नियम से सिखाने की जरूरत है? जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अक्सर ये पाया गया है कि जो स्टूडेंट है वो मैथ्स में कमज़ोर होते हैं और उनमें जो है इंटरेस्ट कम होता है, और इसी चीज़ को बांधते हुए देखते हुए जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है उन्होंने कल यहाँ पे एक डिस्कशन बुलाया, जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स है उनके साथ, जो एक्सपीरियंसड ऑफिसर्स है वो भी उस डिस्कशन में शामिल थे, क्योंकि उनसे भी ये डिस्कस किया गया कि क्या वजह है कि यहाँ के जो स्टूडेंट है ज़्यादातर वो मैथ्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद ही जो है ये सर्कुलर निकाला गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स के वो यहाँ पे पढ़ाने बहुत ज़रूरी है, और तमाम जो हेड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो इस सर्कुलर को जो है वो इम्प्लीमेंट करें स्कूलों में। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं होते वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं बन सकते, वो उनका जो ऑलराउंडर सिटीजन जो बनते हैं वो नहीं बन सकते, तो उस चीज़ को देखते हुए, उस रीजन को देखते हुए यहाँ पे ये कोशिश की गई है कि बच्चे जो मैथ्स से जी चुराते हैं, जो मैथ्स से भागते हैं, उनको जो है ये तालीम, ये सब्जेक्ट पे जो है वो ज्यादा काम कराया जाए ताकि जो स्टूडेंट है उनका भी जो है वो इंटरेस्ट बढ़ सके, और यहाँ प्राइमरी लेवल से हायर जो हायर सेकेंडरी लेवल है वहां तक जो है वो ये इसको लगभग 10वीं कक्षा तक, 10वीं जमात तक जो है वो प्राइमरी। अब सवाल ये उठता है कि जब मैथ्स के हवाले से कदम उठाने की बात कही गई है तो इसे कैसे अमल में लाया जाएगा, क्या क्लासेस एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, इसका जो रोजाना की जो क्लासेस हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को देना होगा, और कैसे इंदिराज कराना होगा जिनकी मार्क्स कमजोर है, क्या वो खुद इंदिराज अपना कराने जाएंगे रजिस्ट्रेशन की उन्हें क्लासेस लेनी है, या फिर स्कूल की तरफ से ही बच्चों के नाम उस लिस्ट में डाल दिए जाएंगे कि इन्हें मैथ्स की क्लासेस लेनी जरूरी, क्या होगा खद्दोखाल? जी हाँ, यहाँ पे देखा गया है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो मेजॉरिटी अब जो स्टूडेंट्स है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स से जी चुराते हैं, इस सब्जेक्ट से भागते हैं, और यही वजह है कि ये इस चीज़ को देखते हुए जो है ये सर्कुलर निकाला गया है, और तमाम जो चेयरमैन है क्लस्टर कमिटीज़ जो है उन्हें कहा गया है कि जो उनके चेयरमैन है वो इसको, इस प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, उसके बाद वो इंश्योर कराएंगे कि ये ऑर्डर जो है वो लेटर इन स्पिरिट जो है उसको ये लागू कराएं। तो यहाँ पे जिस तरह से जो ये डिस्कशन हुआ है, जिस तरह से सर्कुलर निकला है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है
है कि 24 अप्रैल से 8 मई तक इनको गैप दिया गया है। तमाम हेड्स को बुलाया गया है कि जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स के उस पर ज्यादा फोकस कराया जाए, जो बोर्ड से जो मैथ्स के जो फंडामेंटल ऑपरेशन है उनको जो है वो लागू कराया जाए, ताकि जो इस सब्जेक्ट है जिस तरह बिल्कुल तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो मैथ्स में बच्चे कमजोर हैं उनके लिए खुशखबरी है, राहत भरी खबर है, वो क्लासेस ले सकते हैं और अपनी जो वीकनेस है वो उसे कहीं ना कहीं से दूर कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, खबर पुंछ के हवाले से है। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद भट्टाधुरिया के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों का पता लगाने के लिए जंगलों और गांव में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीष जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पुंछ आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमने देखा कि कई ऐसी टीमें हैं जो घटना स्थल पर पहुंची। ताजा जानकारी मिल पा रही है मुनीष की जंगलों में संयुक्त अभियान तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? जी ना, 6 दिन से जो है वहाँ भट्टाधुरिया में जो ऑपरेशन चल रहा था, आज 6ठा दिन है और आज भी जो है पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है, जंगलों में चल रहा है, जंगलों के साथ जो नाले हैं और इसके साथ ही आसपास के जो गांव हैं, क्योंकि आतंकी कहीं ना कहीं जो है गांव में भी छुप जाते हैं, इसको देखते हुए जो है बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल जो है वो पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। गाँव में भी जो है उनकी तलाश की जा रही है, 15 से अधिक जो है OGW उठाए हुए हैं जिनसे पूछताछ जारी है कि कहीं ना कहीं उन आतंकियों को सुराग मिल जाए जिन्होंने वीरवार को एक नापाक हरकत को अंजाम देते हुए जम्मू पुंछ हाईवे पर हमारे 5 जवानों को शहीद किया था। जी, आपने कहा कि जंगलों के अलावा गांव में भी तलाशी अभियान जारी है, तो भट्टाधुरिया गांव में या फिर उसके आसपास कितने ऐसे गांव हैं जहां पर इस सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया गया है मुनीष? जी, ऐसे कि 1 दर्जन के करीब जो गांव हैं, क्योंकि भट्टाधुरिया है, नाड़ है, उसके साथ कई ऐसे गांव लगते हैं जहां पर यह तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि आतंकवाद के दौर में यह देखा गया है कि जो आतंकियों के समर्थक हैं जो OGW हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गांव में घरों के अंदर जो है तहखाने बना रखे होते थे जहां पर आतंकियों को छुपाया जाता था, और अब जो है एक बार फिर उस तरह की जो स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो जिसको देखते हुए सुरक्षा बल जो है गांव में भी तलाशी ले रहे हैं और जो आसपास के घर हैं खास करके जो जंगलों के साथ लगे हुए घर हैं उनमें जो है इस तरह की तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि कहीं आतंकियों को वहां ना छुपा के रखा हो, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी जो है अभी तक नहीं मिल पाए और 6 दिन से लगातार उनको ढूंढा जा रहा है, और आतंकी को ना मिलना जो है ये एक जो है आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय और आम लोगों में गुस्सा भी है इसको लेकर कि आतंकी इस तरह की हरकतें करके तो कहां चले जाते हैं, तो इसलिए सुरक्षा बल जो है लगातार ये जो है तलाशी अभियान चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन आतंकियों को ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पुंछ आतंकी हमले में सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है, जंगलों में तो सर्च ऑपरेशन संयुक्त तलाशी अभियान का जारी है, तो वहीं गांव तक तकरीबन दर्जन भर गांव, जैसे कि मुनीष ने कहा कि दर्जन भर गांव तलाशी अभियान के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि बाज दफा ये देखा जाता है कि रिहायशी इलाकों का आतंकी रुख करते हैं घटना को अंजाम देने के बाद, इसीलिए फौज की तरफ से कदम उठाया गया। बहुत शुक्रिया मुनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से आ रही है। कांग्रेस की चार्जशीट पर जांच की तैयारी के हवाले से खबर है। फिर निकला है चार्जशीट पर जांच का दिन, सुक्खू सरकार ने जांच के संकेत दिए हैं। पूर्व की भाजपा सरकार के समय ये चार्जशीट तैयार हुई थी, तत्कालीन मंत्रियों और कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे थे उस चार्जशीट में। नगर निगम चुनाव के समय फिर से ये मामला उठा है, तो जाहिर सी बात है इस पर कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होगा। तो कांग्रेस की चार्जशीट पर जांच की तैयारी, ये उस वक्त की बात है जब पूर्व की भाजपा सरकार के समय चार्जशीट तैयार की गई थी। कांग्रेस के हवाले से मंत्री और कई अधिकारियों पर उस वक्त गंभीर आरोप लगाए गए थे, और अब जबकि शिमला नगर निगम चुनाव अपने शबाब पर है, पूरा इलेक्शन कैंपेन हीटअप हो चुका है, इस बीच कांग्रेस ने ये इशारा दिया है कि वो जांच कराएगी। चार्जशीट पर जांच के हवाले से कांग्रेस का ये इशारा है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि राजनीति गर्मा सकती है। ईदगाह पार्क में 2 लोगों की पिटाई के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एहरार सादिक, आतिफ जफर, वानी के खिलाफ सदा सफा कदल थाने में केस दर्ज कर लिया है।
तो ईदगाह पार्क में दो लोगों की पिटाई हुई थी और पिटाई के मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तीनों के नाम और इन तीनों की तस्वीर भी पुलिस ने जारी की है जो कि इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पुलिस ने इनका नाम बताया है एहरार सादिक, आतिफ जफरवानी और ये इनके नाम बताए गए हैं और इस हवाले से सफा कदल थाने में केस भी दर्ज किया गया है। फिलहाल इसी के साथ आज का एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 18 जेकेएलएच। नमस्कार।